जब क्या था ना, थर्ड प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर तो ए से सी, सी से डी। थर्ड प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज होता है? केवल केवल मॉडुलस फंक्शन यूज करने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टीज आप लोग को बताया गया था, फोर्थ प्रॉपर्टीज में था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, यही था। फाइव प्रॉपर्टीज में, फाइव प्रॉपर्टीज बोला गया था अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और सिक्स प्रॉपर्टीज में तो दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, केवल निगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यू देता, ऑड पे जीरो, इवन पे टू इंटू जीरो से एक्स डी एक्स। तो ये सब हम लोग कल जान लिए थे कि कौन किस प्रॉपर्टीज किस काम में करेगा। आज देखिए का पहला क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक्सरसाइज हो जाएगा 7.11। एनसीईआरटी तो देखिए, एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कहा जा रहा प्रॉपर्टीज मेथड से सोल्व कीजिए, किस मेथड से? प्रॉपर्टीज मेथड। ये प्रॉपर्टीज नंबर जीरो से पाई बाई टू, कैसा प्रॉपर्टी? पांचवा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी। कल हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है कैमा प्रॉपर्टी, पांचवा ठीक, कैमा प्रॉपर्टी पांचवा प्रॉपर्टीज। तो जब पांचवा प्रॉपर्टीज आ जाए तो पांचवा प्रॉपर्टीज का इंटीग्रेट करने का रूल है, पांचवा अधिकतर केस में इंटीग्रेट पांचवा प्रॉपर्टीज का ही रूल लगता है। जब वो पांचवा प्रॉपर्टीज हो और उस पांचवा प्रॉपर्टीज पे इंटीग्रेट करना हो तो उसको इक्वेशन को फर्स्ट बना लेते, मतलब प्रश्न को इक्वेशन क्या बना लेते फर्स्ट, और अब फर्स्ट बनाने के बाद पांचवा प्रॉपर्टीज को यूज करते। पांचवा प्रॉपर्टीज का क्या रूल है? कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस वेरिएबल, यही रूल है। यस सर, वो लगा लिए दिया, क्या राइट है सभी? यस सर। अब आई बराबर जीरो से कॉस स्क्वायर नाइन्टी, मतलब कॉस नब्बे माइनस, बगल में लिख लेते कॉस नब्बे माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है। यस सर। तो इक्वेशन क्या सकेट, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन, ध्यान देंगे आई आई टू आई टू आई टू आई और जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई कॉमन है। यस सर। तो ले सकते जीरो से पाई बाई टू कॉमन ले लिए, क्या बच गया? प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स वन हो गया, क्या दिक्कत है? फिर से रिपीट, फर्स्ट प्रॉपर्टीज और सेकेंड प्रॉपर्टी, तो आई आई कितना? आई जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू कॉमन मिल गया, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर टू आई जीरो से पाई बाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, वन का इंटीग्रेशन एक जीरो से पाई बाई टू, राइट है सभी? अब अपर लिमिट को वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट कितना? पाई बाई टू माइनस जीरो माइनस जीरो लोअर लिमिट, इनको बटन में कर दीजिए पाई बाई फोर, यही हो गया आंसर। आंसर अधिकतर केस में आपका पांचवा प्रॉपर्टी रहता है तो उसका आंसर क्या आता है? पाई बाई फोर, क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी रहेगा तो पांचवा प्रॉपर्टीज का रहता है तो रूल क्या हो जाता है? इक्वेशन क्वेश्चन को ही इक्वेशन क्या बना ले फर्स्ट, और पांचवा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाता, दोनों को ऐड करते हैं तो अपने आप यहाँ पे कर जाता, कुछ फॉर्मूला बन जाता और वैल्यू आ जाता है क्या वन।
तो ये आपका इसी रूल से हम लोग फाइव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, पहले नोट करेंगे इसको। आई अपने मन से मान लीजिए, आई तो होगा इंटीग्रेशन कर रहे थे, यह हुआ रहेगा। ये क्या ना आपका क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा भी आपका कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है? पांचवा प्रॉपर्टी। जीरो से शुरू होने वाला आ गया, मतलब क्या पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टीज बनाने का वही रूल, अभी अभी जलचंद पांचवा प्रॉपर्टीज रहता है तो उसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको इक्वेशन क्या बना लेते क्वेश्चन को इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट बनाने के बाद पांचवा प्रॉपर्टीज है तो पांचवा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है? पांचवा प्रॉपर्टीज है अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट पाई बाय टू माइनस वेरिएबल अंडर रूट अपर लिमिट माइनस वेरिएबल प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। क्या बराबर है सभी का? जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा सभी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। एक्स 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 तीन वेरिएबल है तो तीनों जगह आपका क्या हुआ पाई बाई टू। अब आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस राइट यस सर कॉस अंडर रूट कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन अंडर रूट प्लस अंडर रूट साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स इक्वेशन सेकंड डीएक्स इक्वेशन अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड राइट सेकंड हिसाब ही सीखे तो आई आई टू आई टू आई जीरो से पाई बाई टू जीरो से पाई बाई कॉमन जीरो से पाई बाई टू कॉमन मिल गया। अब यहाँ से लिख लेंगे क्या अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस प्लस ये वाला अंडर रूट कॉस एक्स बटा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स क्या बराबर है? ये दोनों इक्वेशन को ऐड किए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सके। अब टू आई जीरो से जीरो से पाई बाई अब दोनों में एलसीएम देखते एलसीएम सेम है यस सर एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स साइन एक्स क्या मिल जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट राइट है ऊपर नीचे सेम तो क्या हो जाएगा जीरो क्या मिल जाएगा टू आई जीरो से पाई वाई यहाँ करने के बाद क्या बचता वन वन टू आई वन का इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू पाई बाई टू आई बराबर अब अपर लिमिट को रखेंगे पाई बाई टू आई बराबर माइनस अब लोअर लिमिट जीरो टू को पाई बाई फोर आई बराबर पाई बाई फोर पाई बाई फोर ना क्वेश्चन नंबर चौथा जीरो से पाई बाई टू साइन पर पावर थ्री बाई टू एक्स बटा साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाई टू एक्स डी एक्स ये भी कौन सा प्रॉपर्टीज पे है प्रॉपर्टीज नंबर फाइव जीरो से शुरू होने वाला प्रॉपर्टीज नंबर फाइव ही है। ये आपका प्रॉपर्टीज बैठा हुआ फाइव पे तो फाइव को बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट
नहीं, क्वेश्चन को इक्वेशन क्या बना लेते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाइव बाई फोर। लेकिन बनाएंगे जैसे अभी बनाए, पांचवा प्रॉपर्टी यूज कीजिए, जीरो से फाइव बाई टू। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट फाइव आई माइनस एक्स साइन के पावर थ्री बाई टू, अपर लिमिट माइनस प्लस कॉस पावर थ्री बाई टू और पाई बाई टू माइनस एक्स। क्या ठीक है सभी का, एक क्या किए, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, क्या राइट है सभी का। अब आई बराबर जीरो से पाई बाय टू, ठीक है अरमान बाबू, सर साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस्ट थीटा अभी बताया गया था, कोस थीटा बोल, कॉस थ्री बाई टू हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस के पावर थ्री बाई टू प्लस साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स डीएक्स इक्वेशन। आप बना सकते हैं आप लोग, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन बनेगा चंदन। अब आई आई टू आई टू आई जीरो से जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू कॉमन है, तो इस टर्म को लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स बटा साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाई टू एक्स बटा कॉस थ्री बाई टू एक्स पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स, राइट ना, दोनों से टू आई जीरो से एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या, साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाई माइनस पाँच से जीरो, फिर जीरो से पाँच, अब सेम तो हो जाएगा, साइन के पावर थ्री बाई टू एक्स कॉस के पावर थ्री बाई सेम है कैंसिल, तो क्या लिख देंगे टू आई टू आई जीरो से पाई बाई जीरो से पाई बाई टू कैंसिल होगा, क्या मिलेगा वन, वन का इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, अपर लिमिट वेरिएबल माइनस लोअर लिमिट टू नीचे पाई बाई, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया,